नमस्ते सर। नमस्ते, आप कौन? सर मैं नेहा, सुना है आपको काम वाले की जरूरत है। हाँ जरूरत तो है। तो क्या मैं अंदर आके बात कर सकती हूँ सर? आइए आइए, दरवाजा बंद कर देना। बहुत पैसे वाला लगता है, इसके यहाँ अगर मुझे काम मिल जाए तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। काश। अरे वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आके बैठो। जी थैंक यू सर। 3-4 लाख के तो हाथों में ही गहने पहन के बैठा है बुढ़ा। काम वाली बाई जैसे हालात तो नहीं लगते इसके। आपके घर में कौन कौन रहता है? जी मैं अकेला ही रहता हूं। आपकी पहली काम वाली क्या क्या करती थी? सब कुछ करती थी। सब कुछ? हाँ सब कुछ, जो कहो वो करती थी। तो क्या मुझे भी सब कुछ करना होगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आपको कोई इतराज है क्या? मुझे ऐसे मर्द बहुत पसंद हैं, जो खुल के बात करते हो। ऐसी मैंने कौन सी खुल के बात कर दी? पैसे वाला भी है और अकेला भी, इस पर डोरे डालना आसान है। कहाँ खो गई? तुम मंजूर है ना? जी मंजूर है। अगर मंजूर है तो चलो तुम्हें काम समझा दूं। काम तो मैं समझ गई सर। समझ गई, फिर भी आइए मैं आपको काम समझा दूं। ठीक है सर, समझा दीजिए। एक तो ये कमरा है, इसे साफ करना है। इसमें मेरी किताबों की अलमारी है और ध्यान से साफ करना। ये क्रॉकरी की अलमारी जो है ये मैंने अमेरिका से मंगाई हुई है। इसमें जो क्रॉकरी है वो बहुत महंगी है, साफ रोज होगी लेकिन बहुत केयरफुली, और ये पेंटिंग भी बहुत केयरफुली। फिर जो बेडरूम है, एक मेरा बेडरूम है लेफ्ट को, वो साफ करना है, और एक गेस्ट बेडरूम है वो साफ करना है। ये है। अच्छा ये समझाना था, मैं तो कुछ और ही समझी थी। बैठ। दिमाग में गंदगी चल रही है इसके। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत सबक सिखाया था। बड़ा अनजान बनता है नाटकबाज। सैलरी कितनी लोगी? अब सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, तो आप ही बता दीजिए ना कितना देंगे। अब करना तुम्ही को है तो तुम बता दो। शुरुआत मैं ही कर देती, हाथ पकड़ लेती हूँ इसका। मैं नहीं फंसने वाला, मुझे ही सब कुछ करना है, आप कुछ नहीं करेंगे? जाहिर है मैं भी कुछ ना कुछ तो करूंगा ही। इतना मुद्दा भी नहीं लगता, अगर हम उससे शादी कर ले तो मेरी जिंदगी सवर जाएगी। काश। Thank you.
कहाँ हो? शादी करूँ ना आपसे। शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं अच्छा खासा रह रहा हूँ, मैं शादी क्यों कर दूँ? वो मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा ये बताइए, आप दिन के लिए रखेंगे मुझे या रात के लिए? अब दोनों बता दो, दिन को क्या लोगी और रात को क्या लोगी? दिन का तो मैं सर 15,000 लूंगी और रात का डबल। रात का डबल क्यों? अब इतने भी नादान ना बनो साहब, रात में ही तो रिस्क होता है। रात में क्या रिस्क होता है? रात को तो सोना है। सोने में तो रिस्क होता है। अब तो सो जाओ बाबू। ठीक है, तुम दिन में सुलहट तो तुम्हारी नौकरी पक्की। अब ऐसा करो कि एक गर्मा गर्म चाय का प्याला बना दो। किचन कहाँ है? सामने ही किचन, पीछे से जाओ, पहला दरवाजा है राइट। चीनी पत्ती कहाँ है? क्या गिरा? बोतल गिरी सर, बोतल। अरे संभल के काम करो ना। क्या सर शक्कर कहाँ है? शक्कर ये है, चाय की पत्ती वो पड़ी हुई है, दूध फ्रिज में। ठीक है सर, मैं फटाफट चाय बना के लाई। थैंक यू। वाह बिटिया, चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाती हो। क्या आपने मुझे दिल से बेटे कहा? हाँ, तुम बेटी तो हो। मुझे माफ कर दो सर, मैं कितना गलत सोच रही थी। अरे अरे बेटी रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो? अरे नहीं रोते नहीं, रोते नहीं, रो क्यों रही हो? बहुत अच्छे से रोना नहीं है, बहुत जाने अनजाने में सर मुझसे गलती में हो, मुझे माफ कर दो। सुनो कल 9 बजे काम पे आ जाओ, लेट हुई तो पैसे काट लूंगा। आप बहुत अच्छे हो सर, मैं टाइम से आऊंगी सर। कल टाइम से आऊंगी। लालच के साए में कभी रिश्ते नहीं बनते, इंसानियत के रिश्तों का मजा ही कुछ और है।